अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिल से खुश आमदीद है मेरे YouTube चैनल इशू वंडर किचन में। और मैं आज लाई हूँ आपके लिए खुशबूदार रेसिपी का राज। जी हाँ, हम आज बनाएंगे गरम मसाला, होममेड गरम मसाला आज हम बनाएंगे, जिसके लिए हमने लिया है ये इलायची, हरी इलायची ली है, काली मिर्च, लौंग, शाहजीरा, इसे काला जीरा भी कहते हैं, जावित्री ली है दो, बड़ी इलायची ली है चार अदद, स्टार फूल लिए हैं चार से पाँच, और ये ली है दालचीनी। दालचीनी को हम थोड़ा और बारीक टुकड़ों में कर लेंगे। और देखते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम पैन रखेंगे गर्म होने के लिए। ये पैन रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, हमें बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। हमें इसे एकदम मीडियम फ्लेम पे हल्का रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये हाथ से टच कर सके हम, इतना ही गर्म हमें बस इसे करना है, इसलिए मैं ये हाथ से आपको करके दिखा रही हूँ। शाहजीरे को अच्छे से चुन ले आप। स्टार फूल को भी हम तोड़ लेंगे। इसमें जो हल्का हल्का मॉइस्चर होता है वो खत्म करना है हमें, इसलिए हमने इसे हल्का सा गर्म करना है बस, ज्यादा नहीं। ना ही इसका कलर चेंज करना है, ना इसकी खुशबू आने देनी है, बस हल्का सा हमें इसे गर्म करना है। मेरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करें, रेसिपी को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल इशू वंडर किचन को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आपको हाथ से करके इसीलिए बता रही हूँ कि हमें सिर्फ इतना गर्म करना है जो हमें बर्दाश्त हो, ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है और ना ही इसका कलर वगैरह चेंज करना है। ये हो गया है अच्छे से, अब हम इसे मिक्सर जार में निकाल लेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे बारीक। ये मैंने पीस लिया है, अब हम इसे छान लेंगे, अच्छे से छान लेंगे हम, क्योंकि हमारे हरी इलायची के जो छिलके होते हैं वो बहुत मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम इसे अच्छे से छान लेंगे। लीजिए जी, तैयार है होममेड गरम मसाला। इसे आप आराम से 3 से 4 महीने स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने छाना था, जो हमारी इलायची के हमें छिलके मिले हैं, आप इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप इसे आपकी मसाला टी में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी चाय भी ज़बरदस्त बन जाएगी। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल इशू वंडर किचन को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।